ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 18 में आपको ना चार फिगर गिवन है, कह रहे करंट बताओ इसमें कौन सा इक्वल कौन सा अनइक्वल है। तो अगर आप पहली फिगर देखें, चार्ज अपॉन टाइम इज करंट, 7 एम्पियर का करंट है, चार्ज अपॉन टाइम करंट 7 एम्पियर का करंट है। नेगेटिव लेफ्ट है, पॉजिटिव राइट है, कंडक्टर में ऐसा ही होता है, तो दोनों का करंट ऐड होकर 7 एम्पियर करंट है डन। नेगेटिव लेफ्ट है, पॉजिटिव राइट है, ऐसा ही होता है, क्योंकि पॉजिटिव अगर राइट है तो नेगेटिव लेफ्ट पे होता है, तो 7 एम्पियर करंट है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव सेम नहीं चलते, तो एक को ऑपोजिट करना पड़ेगा, तो 6 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 5 एम्पियर करंट है। तो इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें सिर्फ 5 है। जब भी प्लस और माइनस चार्ज इकट्ठे मूव करेंगे, करंट को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से आंसर मार्क कर लेना, 3 बराबर हैं और 1 अलग है, ठीक है यहाँ तक। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत आता है, बहुत आता है, आई वी के ऊपर या वी आई के ऊपर ग्राफ बहुत आते हैं। वी और आई का ग्राफ है, वी और आई के ग्राफ को फिजिक्स में वी आई करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ये मत सोचना कि सर ने कराई नहीं करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब ग्राफ प्लॉट करना वी और आई का। तो वी आई करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको बताना है कि किस पॉइंट की रेजिस्टेंस ज़्यादा है और कम है। वी और आई की जो स्लोप है, स्लोप वो आपको क्या देगी, रेजिस्टेंस, वी अपॉन आई रेजिस्टेंस, क्लियर है। तो ए पॉइंट की स्लोप ये होगी, ज़्यादा है, बी पॉइंट की स्लोप थोड़ी कम है, सी की स्लोप और कम है, और डी की तो और कम है। तो इसकी स्लोप ज़्यादा है, तो इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, फिर रेजिस्टेंस थोड़ी कम है, फिर और कम है, और फिर और भी ज़्यादा कम है। मार्क कर लेना सीक्वेंस, किसकी रेजिस्टेंस बड़ी है छोटी है, मार्क कर लेना कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आइडिया समझ में आ रहा है, सबसे ज़्यादा इसकी स्लोप है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, कम, कम और कम, सही कर लोगे मार्क। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन 3 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जानबूझ के वो आई वी करेक्टरिस्टिक्स देगा, वी आई की जगह आई वी, वो इसलिए क्योंकि आई अपॉन वी की जो स्लोप आएगी ये आपको क्या देगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ द कर्व बिकम्स लेस इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो स्लोप डिक्रीज होगी। तो वही तो कह रहा है, स्लोप लेस हो जाएगी अगर लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, और सर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो स्लोप कम होगी, वही तो कह रहा है, स्लोप लेस हो जाएगी अगर आप लेंथ को बढ़ा देंगे। तो डी ऑप्शन समझ में आ रहा है, कैसे सोच के मार्क करनी है। और उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है, फिर से एक बार वी आई करेक्टरिस्टिक्स हैं, वोल्टेज करंट की स्लोप आपको रेजिस्टेंस देगी, टेम्परेचर T1 है, साफ पता लग रहा है कि इस कर्व की स्लोप ज़्यादा है इससे, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है इससे, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इससे, तो T2 बड़ा है, T1 छोटा है, इसकी रेजिस्टेंस बड़ा है इससे, स्लोप क्या है इसकी, T1 की स्लोप क्या है, टेन थीटा स्लोप है और स्लोप रेजिस्टेंस है। तो लिख सकता हूँ, पहले केस में रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, मान लो T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R1 है, लेकिन R1 tan थीटा है क्योंकि रेजिस्टेंस तो tan थीटा है इसमें, तो ये कांस्टेंट के साथ एक वैल्यू आ गई। इस लाइन की स्लोप क्या है, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, तो अगली लाइन में tan ऑफ 90 माइनस थीटा, तो टेम्परेचर क्या हो गया, K2, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज cot थीटा इज K टाइम्स T2। इन दोनों इक्वेशन में निकालना क्या है, उसने बोला T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल है, तो क्यों ना 2 और 1 को माइनस कर दें, 2 और 1 को माइनस करेंगे, T2 माइनस T1 cot थीटा माइनस tan थीटा आएगा, यहाँ से cot की वैल्यू क्या है, cos बाय sin, tan की वैल्यू क्या है, sin बाय cos, LCM ले लो, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो मैथ्स का फॉर्मूला बन गया 2 sin थीटा cos थीटा इज sin ऑफ 2 थीटा, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इज cos 2 थीटा, cos बाय sin इज cot थीटा, तो आंसर प्रोपोर्शनल टू cot 2 थीटा।